कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की बर्बर करतूत, पत्थरबाज और अलगाववादी ही अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इन सब खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई जो हम आज आपको दिखाएंगे। एक ऐसी खबर जिससे आप कश्मीर का दूसरा पहलू जानेंगे। आज की अच्छी खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घाटी का नौजवान पत्थरबाज नहीं बल्कि देश के विकास के साथ जुड़ना चाहता है, देश का नाम रोशन करना चाहता है। अक्सर पत्थरबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले कश्मीर घाटी की ये एक अलग तस्वीर है। श्रीनगर स्टेडियम में कश्मीर नौजवानों का हुजूम उमड़ा है। यहाँ अलग अलग स्कूलों के दर्जनों लड़के और लड़कियाँ फुटबॉल खेलने आए हैं। केंद्र सरकार की ऊर्जा योजना के तहत बुधवार को यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से लड़के और लड़कियों की 8-8 टीमों ने हिस्सा लिया। सर, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, हर एक प्लेयर को अपना अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है सर। यहाँ पर ऐसे टूर्नामेंट के लिए हर कोई खेल सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सबों के लिए बहुत अच्छी बात। कश्मीर के अंदर स्पोर्ट थोड़ा दबा हुआ था, अब धीरे धीरे कश्मीर में स्पोर्ट्स फिर से वापस आ रहा है। ऊर्जा योजना में 19 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। टूर्नामेंट 3 स्टेजेस में होते हैं। पहले स्टेज में स्टेट लेवल कंपटीशन होता है, दूसरे स्टेज में स्टेट लेवल पर जो टीम जीतती है उसे नेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलता है, और तीसरे स्टेज में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। इन टूर्नामेंट में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उन्हें नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको टैलेंट, अपना वो टैलेंट दिखा पाए, लेकिन टैलेंट का आज तक सोर्स नहीं मिल रहा था। बट पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ये ऊर्जा वाला हमारा ये निकाला है, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी हम सारे बच्चों को। वी आर थैंकफुल टू द पीएम हु हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस सीआरपीएफ टूर्नामेंट अंडर 19। कश्मीर में युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने इससे पहले खेलो इंडिया की शुरुआत की थी, जिससे अब तक करीब 14,000 से ज्यादा नौजवान जुड़ चुके हैं। श्रीनगर में टूर्नामेंट का आयोजन कर रही सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि इस योजना के जरिए युवाओं को जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और हमने देखा है कि कश्मीर वैली में बॉयज़ एंड गर्ल्स में टैलेंट बहुत है स्पोर्ट्स का, और इनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से कि अपनी जो ये सपोर्टिंग टैलेंट है इसको चैनलाइज कर सके। खेलो इंडिया और ऊर्जा जैसे स्कीम्स की सफलता इस बात का सबूत है कि कश्मीर के नौजवान को सिर्फ मौका चाहिए, उनमें ना प्रतिभा की कमी है न जुनून की। अगर मौका मिले तो जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ाई लिखाई और खेल हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। श्रीनगर से इंडिया टीवी के लिए मंजूर मीर की रिपोर्ट।